बच्चों को डांस में क्यों देती है जिनको पहले से आता है? नहीं आता तो सिखा नहीं सकते क्या? पता कितनी मुश्किल से 26 जनवरी के डांस के लिए अपना नाम लिखवाने गई थी मैं मैम के पास। हमारा कोई राइट नहीं है क्या आगे खड़े होने का? थर्ड लाइन में सबसे पीछे खड़ा कर दिया है, दिखूंगी भी नहीं मैं वहाँ पे किसी को। अच्छा चिल करना, कोई बात नहीं, कम से कम क्लासेस से तो छुटकारा मिल जाता है ना। और तो और कोई अपनी नोटबुक देने के लिए भी मना नहीं करता क्योंकि हम 26 जनवरी की डांस प्रैक्टिस पे होते हैं ना। और तू ना टेंशन मत ले, मैं सिखाऊंगी तुझे अच्छा वाला डांस। नेक्स्ट टाइम ना 26 जनवरी को तो सबसे आगे खड़े होगी। वो तो ठीक है, थर्ड पीरियड लगने वाला है, कोई आया क्यों नहीं हमें अभी तक बुलाने? हाँ यार मैम भी आने वाली होंगी, ऐसा करते हैं हम दोनों खुद ही चल लेते हैं, क्या पता सब लोग प्रैक्टिस में बिजी होंगे। हाँ चल चलते हैं वरना मैम ने बाद में जाने भी नहीं देंगी। यस यू बोथ वेयर आर गोइंग? वो मैम मुझे और प्रीत को श्रुति मैम ने 26 जनवरी की डांस प्रैक्टिस के लिए बुलाया था, तो हम जाएं? क्यों, श्रुति मैम के पीरियड में जाना, मेरे पीरियड में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दो थोड़ा। मैम दीपका और प्रीत को डांस प्रैक्टिस के लिए भेज दीजिए। मैम हम जाएं? जाओ, वैसे भी पढ़ना लिखना तो है नहीं तुम्हें, क्या करोगे पढ़कर? लिसन, कोई भी स्टूडेंट अपनी नोटबुक इन दोनों गर्ल्स को नहीं देगा, गॉट इट? कोई नहीं है क्या अभी प्रैक्टिस के लिए? और मैम कहाँ है? मैम किसी काम में बिजी है, इसलिए उन्होंने कहा है कि सब बच्चों को बुला के एक बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है फिर एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। ओके और अंजलि कहाँ है? आई कहाँ है वो आज? यार जब से प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है सिर्फ दो बार आई है, आता वाता है नहीं उसे कुछ। हाँ यार पूरा परफॉर्मेंस खराब कर देगी। एक काम करती हूँ मैम को बोलूँगी, मैम उसको पीछे थर्ड लाइन में खड़ा कर दो, मुझे आगे खड़ा कर दो, वैसे भी मुझे पूरा डांस आता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी नहीं है, अब आएगी सीधा 26 जनवरी वाले दिन। ठीक है फिर चलो हम अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके 1 2 3 4 धरती सुनहरी अंबर नीला। नहीं 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 इस वाले हो पे तो हमको घूमना था ना। अरे नहीं वो दूसरे वाले हो पे घूमना था, इसमें यही करना है, चल कर। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो। बेटा इस बार प्री बोर्ड्स में ना फोड़ना है अपने को। तू बता तेरे मैथ्स के शापे खत्म हुए या नहीं हुए? कहाँ यार सुबह से बैठी हुई हूँ, ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए नहीं तेरे, परेशान करके रखा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा है कैसे करूँ, और अब तो टाइम भी नहीं बचा। अरे तेरी सारी प्रॉब्लम्स ना फिलो ऐप पर सॉल्व हो जाएंगी। वो कैसे? तुझे जो भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता उसकी फोटो खींच और फिलो ऐप पर डाल दे, सिर्फ 60 सेकंड्स के अंदर एक एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ लाइव पढ़ना शुरू कर देगी, बिल्कुल वैसे जैसे हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। और जब तक तुझे समझ नहीं आता तब तक सवाल पूछ, क्योंकि 1-on-1 है भाई, झिझक किस बात की। और अगर तुझे उन ट्विटर का पढ़ाने का तरीका पसंद आ जाए तो फेवरेट मार्क कर ले और अगली बार उन्हीं से पढ़ सकती है। तो चल टाइम वेस्ट मत कर, फिलो ऐप को अभी डाउनलोड कर, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। हाँ मैं अभी डाउनलोड करती हूँ आपको। कितनी ठंडी हो रही है यार बेंच। मुहूर्त निकलवाऊं क्या तेरे लिए? बैठ जा। तू थोड़ा इधर खिसक जा प्लीज। अच्छा मुझे तो ठंड लगती ही नहीं जैसे। चुपचाप बैठ जा वहीं, तेरे लिए सीट बचा के रखी है ना, वही बहुत बड़ी बात है। ठंडी हो रही है यार, बर्फ जैसी हो रही है एकदम। वैसे मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, क्यों?
मैंने रिसेंटली फॉलो किया एक हेयर स्टाइलिस्ट को इंस्टाग्राम पे, इतने तगड़े तगड़े हेयर स्टाइल बनाना सिखाता है ना स्कूल वाले 2 मिनट में। सही है, आज से नए नए हेयर स्टाइल बना के आया करूँगी स्कूल में। वैसे हेयर स्टाइल की बच्ची कल क्यों नहीं आई थी? अरे यार रोज रोज ठंड में कौन आए स्कूल, और स्कूल आते हैं तो नहाना भी पड़ता है, इसलिए आराम से सो के 12 बजे उठी, नहाना भी नहीं पड़ा और मम्मी के हाथ के गर्म गर्म पकौड़े इंजॉय किए। और स्कूल में तो ठंडा लंच खाना पड़ता है। सही है बेटा, आज जब ब्रह्मा मैम की स्टिक पड़ेगी ना ठंड में हाथों पर, तो वो भी इंजॉय करियो। स्टिक्स क्यों? मैम ने ना कल चैप्टर 6 करवाया था, जिसके 4 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बोला था घर से करके लाने के लिए। तूने कर लिया कंप्लीट? दिखा दे यार। कल जब तू आराम से सोकर उठी थी ना और गरम गरम पकौड़े खा रही थी, तब मैं क्वेश्चन आंसर कर रही थी। बहन नहीं है, बचा ले यार रमा मैम से, दिखा दे आंसर्स। ये लिख फटाफट कॉपी कर ले, मैम आती होंगी। हाँ बहुत जल्दी बता दिया ना तूने। शुक्र कर कि बता दिया, वरना मैम की स्टिक पड़ती ना तब नानी याद आ जाती। हाँ तो अभी डेंजर में ही हूँ, अभी कॉपी नहीं किया। हे भगवान जी प्लीज बचा लेना। भगवान जी नहीं बचाएंगे, तो खुद ही बचा सकती है अपने आप को अभी। यार ये पेन भी जम गया, इसे भी अभी जमना था। ये रे इसे कर ले। शिट ये भी नहीं चल रहा। ये ले लास्ट पेज पर चला कर देख। ले चल गया, चल गया। लिखती रह बस, जल्दी कर। यार ठंड में हाथ भी नहीं चल रहे, अकड़ गए हैं हाथ भी। कोई बात नहीं, कोशिश कर। नहीं लिखा जा रहा, ये ले हाथ गर्म कर दे थोड़ा। मैं कैसे करूं? हाथों से रब करना। हाँ थोड़ा गर्म हो गया। कर कर कर। शाबाश। बेटा अभी से ही सोच लिया कि डॉक्टर बनना है? आई एम सॉरी मैम, वो ठंड में हाथ। बेटा मैंने तभी तो घर के लिए क्वेश्चंस दिए थे कि तुम घर में आराम से बैठ के क्वेश्चंस करो, ताकि आप लोगों को कोई कष्ट ना हो, क्योंकि कष्ट के लिए हम बैठे तो है। मैम मैं एब्सेंट थी। क्यों एब्सेंट थी? बाकी सारे बच्चे भी तो आए थे ना। हाथ आगे करो। सॉरी मैम, कल पक्का अच्छी हैंडराइटिंग में करके लाऊंगी, प्लीज। बेटा अगर तुम्हें ऐसे छोड़ दूंगी तो बाकी बच्चों के साथ तो अन्याय होगा ना, फिर वो ऑब्जेक्शन उठाएंगे। प्लीज मैम। आई सेड हाथ आगे करो। कितनी बड़ी जिल्लाद है ना मैम। सही में यार बहुत ही ज्यादा। और कमीनी, उनसे बड़ी जिल्लाद तू है, तू मुझे कॉल करके नहीं बता सकती थी? सॉरी यार दीप, वो तुझे पता है ना मेरे पास पर्सनल फोन नहीं है, और मम्मी से फोन मांगती हूँ ना तो वो मुझ पर डाउट करती है कि मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ। बट पक्का प्रॉमिस है ना, आज के बाद कुछ भी होगा ना मैं तुझे पक्का बताऊंगी। उसकी नौबत नहीं आएगी अब। क्यों, तू स्कूल छोड़ के जा रही है? नहीं आज के बाद एब्सेंट ही नहीं होगी। यार ये बॉयज को ठंड नहीं लगती क्या? कोई सिर्फ शर्ट में है, किसी ने सिर्फ स्वेटर पहन रखा है, ब्लेजर तो दूर दूर तक किसी के पास नहीं है, टोपा भी नहीं है सर पे इनके। अबे टोपा पहनेंगे तो इनका हेयर स्टाइल नहीं खराब हो जाएगा? 1 घंटे का शगल होता है लड़कों का जल से बाल खड़े करने में, चाहे कितनी भी ठंड हो रही हो, टेंशन तो दिखाएंगे ना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यार 15 मिनट लेट आई है मैम इंटरवल के बाद, मुझे तो लगा था मैम आई ही नहीं है स्कूल में, बस लिखवाना स्टार्ट ना कर दे ठंड में। बेटा ये श्रुति मैम है और ये ना लिखवाएं, ऐसा हो सकता है? सिट डाउन। तो कल हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओपन योर बुक्स एंड राइट इट डाउन। यार ठंड में तो एटलीस्ट रहम करना चाहिए मैम को। क्वेश्चन नंबर 2, तुझे नहीं करना नोट? नहीं भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर रही नोट वोट, पॉकेट से हाथ निकालने में ना मौत आ रही है मुझे। तू कर ले, तेरी कॉपी ले जाऊंगी, घर में आराम से ब्लैंकेट में बैठ के करूंगी। इन जनरल
Only a few legal formalities are required to start a sole proprietary business. However, in certain cases, a license may be required. क्या बात है? भाई सीरियस है लड़की पढ़ाई को लेकर. बड़ी फटाफट लिख रही है. क्या हाकर आई आज? अबे क्या लिख रही है ये? तुझे समझ आ रहा है खुद को? अब यार इतना फास्ट बोल रही है मैम. ऊपर से हाथ भी कांप रहे हैं. अभी रफली लिख रही हूँ. घर जाके फेयर कर लूंगी. तेरा तो सही है. मैं कैसे लिखूंगी? मुझे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा. चुप रहना. लिखने दे मुझे. जब लिखाने जा रहा हाथ कांप रहे थे तो मैम को बोल नहीं सकती थी कि मैम मत लिखवाओ. लेकिन तुझे तो आदर्श विद्यार्थी बनना था ना. दीप वेयर्स योर कॉपी एंड पेन. मैम ये है मेरी कॉपी. ओके एंड काजल वेयर इज योर कॉपी. मैम ये मेरी कॉपी है. पहले ना आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि ये किसकी कॉपी है. और जब डिसाइड हो जाए तो जिसकी कॉपी डेस्क पर नहीं है वो मेरी क्लास से बाहर हो जाए और हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाए. यार बाहर तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है. सुनना दोनों चलते हैं साथ में. प्लीज ना अकेले बोर हो जाऊंगी मैं. मैं तो लिख रही थी ना. लेकिन प्लीज मैम हम दोनों ही नोट नहीं कर रहे थे. बोथ ऑफ यू गेट आउट ऑफ माय क्लास. ये ले बैग पीछे रख. मैम चलेगी. पीछे आ रही हूं मैं. पता नहीं यार मैम को क्या चिढ़ा हमसे. साथ में कुछ देख ही नहीं सकती हमें. और आज तो मुझे ही बुला लिया आगे बैठाने के लिए. थैंक गॉड मैं तो बच गई. मेरी तो बर्फ जम गई ना. और आज ऊपर से स्टॉकिंग भी नहीं पहन कर आई. तू क्यों नहीं पहन कर आई? शुक्र है नहीं पहन कर आई. कल पहन के आई थी ना तो ऊपर करते करते ना परेशान हो गई थी मैं. मे बी उसकी इलास्टिक ढीली हो गई थी. लास्टर के पहन कर आई होगी पुराने वाले. हाँ हाँ तो एक साल रख के लूज ही हो जाते हैं. हर साल नए खरीदने पड़ते हैं. इसीलिए तो मैं नहीं पहन कर आई. मम्मी को बोला है मैंने नए स्टॉकिंग्स लाने के लिए. वरना ऐसे ही चलता रहा ना मैम मुझे आगे बैठाती रही तो बर्फ का पुतला बन जाएगा मेरा फर्स्ट सीट पर ही. पता नहीं क्या ही पर्सनल खुंदस है क्या मैम को मेरे से. क्लास का डोर भी नहीं बंद करने देती. हवा आती है तेज तेज. बोलती है कि प्रिंसिपल सर राउंड पर आएंगे. बस डराने में लगे रहते हैं हमें. एक हीटर तो लगवा नहीं सकते पूरी क्लासेस में. हीटर कम से कम पीने के लिए गर्म पानी प्रोवाइड कर देना. बहुत बहुत मेहरबानी होगी इनकी. हाथ भी ठंडे पानी में धुलने पड़ते हैं. बर्फ जैसे हो जाते हैं. मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज. स्कूल में नई यूनिफॉर्म आ चुकी है तो आप सबको 7,000 rupees डिपॉजिट करने हैं मेहता सर को. फुल यूनिफॉर्म अवेलेबल है. शर्ट स्कर्ट पैंट हाफ स्वेटर इंक्लूडेड ब्लेजर. तो अपनी अपनी यूनिफॉर्म कलेक्ट कर लेना. मंडे लास्ट डेट है. उसके बाद किसी के लिए कोई यूनिफॉर्म अवेलेबल नहीं होगी. एंड इट्स मैंडेटरी. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी मैं स्टाफ रूम में आकर मुझे क्लियर कर लेना. होप एवरीवन अंडरस्टूड. नाउ डू यू वर्क. क्या है ये? मम्मी ने अभी नई स्कर्ट लाके दी है जब मैम ने बोला था कि तुम्हारी स्कर्ट छोटी हो गई है इसे चेंज कर लो. मेरी मम्मी तो स्यापे कर देंगी आके स्कूल में. मेरी मम्मी ने खुद नई 2 shirts लाके दिए मुझे. वो तो नहीं दिलवाने वाली अब कुछ मुझे. लेकिन मैम ने ये बोला है कि मैंडेटरी है. कोई बात नहीं मम्मी को बोल दूंगी. मैं आकर इनसे बात कर लेंगी. वही निकाल देंगी इनका सारा मैंडेटरी वैंडेटरी. चल छोड़ यार अभी बहुत तेज भूख लगी है. पहले लंच करते हैं बाद में देखेंगे वो सब. तू क्या लाई है लंच में? आलू गाजर और पराठा. और तू? आलू मटर. आलू गाजर आलू मटर आलू गोभी बस यही बनता है विंटर्स में सबके घर. खाना भी कितना ठंडा हो गया यार. हाँ हाँ तू तो विंटर लवर है ना. कर विंटर्स एंजॉय. हाँ हाँ हूँ विंटर लवर. लेकिन सिर्फ घर पे जहाँ पे ब्लैंकेट पे बैठ के बस गरम गरम खाते रहो. अच्छा सुनना चलना स्कूल ग्राउंड में चलते हैं लंच करने. धूप निकल रही होगी वही आराम से बैठकर करेंगे धूप में. चल चलते हैं. वैसे भी आज मैं कुछ स्पेशल लाई हूँ लंच में. गाजर का हलवा. पर यार मम्मी ने ना थोड़ा थोड़ा ही दिया है. कह रहे लंबे टाइम तक चलाना है. सबकी मम्मी ऐसी होती है. अच्छा हो रहा है ना.
यार टीचर्स को ना हमारी क्लास धूप में ही लेनी चाहिए, देखना कितना मजा आ रहा है धूप में बैठ के, है ना? हाँ और नहीं तो क्या, पढ़ाना ही तो है, चाहे क्लास में पढ़ाए चाहे ग्राउंड में, और हम तो वैसे भी घास में बैठने को तैयार है। ओए ये सुमित कपिल प्रिंसिपल ऑफिस के सामने क्यों खड़े हैं, वो भी आधे कपड़े पहन के, कोई कांड किया क्या उन्होंने? खैर कांड वगैरह तो करते ही रहते हैं, कोई नई बात तो नहीं है। असेंबली के टाइम से खड़े हैं तीनों, पता है क्या किया था उन्होंने? जो हमारी क्लास का टॉपर है ना हरीश, उसके ऊपर कोट डालकर ना खूब मारा बेचारे को। अबे सिर्फ ये दोनों ने नहीं कूटा, पूरी क्लास को और बुला लिया इन दोनों ने और बहुत मारा, बोल रहे थे कि हाथ गर्म कर लो ठंड बहुत हो रही है। बहुत मारा बेचारे को, इतना मारा उसके सर से ना ब्लड आ गया, कड़ा वड़ा पहन रखा होगा किसी ने, लग गया सर में। हरीश के पेरेंट्स तो बोल रहे थे कि इन दोनों पर केस करेंगे, अब पता नहीं क्या ही होगा केस। और प्रिंसिपल सर ने भी ना कसर नहीं छोड़ी, खूब मारा दोनों को नंगा करके, मुर्गा बना के मारा। हाय बेचारे का सर फोड़ दिया, ऊपर से एग्जाम और आने वाले हैं हमारे, सही क्या प्रिंसिपल ने, ये है ही इसी लायक। दीप कितनी ठंड हो रही है यार, स्कूटी चला के आए हैं, हाल बिल्कुल अकड़े हुए हैं, पता नहीं यार पेपर कैसे ही होगा। 3 घंटे तक लगातार लिखना है, मैंने तो आज तक वैसे ही कभी पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, और आज तो वैसे इतनी ठंड हो रही है, क्या ही होगा हमारा। यार दीप विंटर्स में ना एग्जाम पोस्टपोन हो जाने चाहिए, पर यार 8 से 11 की टाइमिंग तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, मनाली वाली ठंड होती है यार सुबह सुबह, कैसे समझाएं हम। अब क्या ही कर सकते हैं यार, इन बोर्ड्स वालों को तो जरा तरस नहीं आता हम बच्चों पर। चल यार कर ही लेते हैं एंट्री अंदर, इतने हम आंसर शीट पे स्केल से लाइन ही खींच लेंगे। चल अभी 15 मिनट है हमारे पास, अंदर जाके क्या मक्खी मारेगी क्या, यहीं पर बैठकर देखते हैं ना कौन कौन आया एग्जाम्स देने। जाहिर सी बात है बोर्ड के एग्जाम है, कौन ही छोड़ेगा, सभी आए होंगे। ओ किसी के दर्शन हो जाएंगे सुबह पेपर से पहले, तो सब कुछ शुभ शुभ जाएगा ना, फिर तो फर्क ही नहीं पड़ेगा सर्दी है या गर्मी, एग्जाम तो फिर तेरा अच्छा ही जाना है क्यों। हाँ और क्या, एग्जाम्स में उसके दर्शन हो जाते हैं, वरना स्कूल तो कभी अटेंड ही नहीं करता। उसके पापा की भी अच्छी जान पहचान है ना प्रिंसिपल सर से, अटेंडेंस की कोई टेंशन ही नहीं होती। क्यों नहीं, वैसे इतना बिजी रहता कहाँ है वो। अरे उसकी डैड का बिजनेस है ना, वही रन करता है उन्हीं के साथ। सही है यार, स्कूल लाइफ में ही उसका फ्यूचर सेट है, हमारे पापा का तो कोई बिजनेस भी नहीं है, पता नहीं क्या ही फ्यूचर होगा हमारा और तेरा भी। इसीलिए कहती हूँ आज पेपर है ना उस पे ध्यान दे, क्योंकि वही फ्यूचर है हमारा। चल चलते हैं। एक मिनट, सामान कहाँ है तेरा, तू खा लिया था ये क्या? ओए सुमित बस एक पेन से हो जाएगा तेरा। हाँ फालतू की टेंशन नहीं ले दीदी, स्केल कंपास हाइलाइटर पेंसिल कहाँ है ये सामान तेरा? अरे आगे पीछे कहीं से भी मांग लूंगी, और वैसे भी दीप को कोई मना कर सकता है क्या, इनफैक्ट आंसर शीट दिखाने के लिए भी तैयार रहते हैं। ओहो अब तो दर्शन भी हो गए, ब्लश कर रही है। अच्छा चले अब 2 मिनट बचे हैं, अब चल चल फटाफट एंट्री करते हैं, देख तेरे उस राहुल ने भी एंट्री कर ली, अब तो चल जल्दी। हाँ ये ले मेरा फोन भी अपने बैग में डाल दियो और सेफली जमा कर दियो, ठीक है? हाँ सारा सामान रख दे, बस याद से ना एडमिट कार्ड हाथ में निकाल लियो बाहर। एक मिनट हिमांशी मेरा एडमिट कार्ड कहाँ है? ओ शिट भूल गई। यार कितनी डम है तू, अब एडमिट कार्ड तो खुद का ही चाहिए होता है, किसी और का तो यूज भी नहीं कर सकते। हाँ पता है यार, लेकिन अब तो घर पे भी जाने का टाइम नहीं है। यार तुझे पहले चेक करना चाहिए था ना, 15 मिनट थे हमारे पास, तूने पहले क्यों नहीं देखा, अब तो हमारे पास टाइम भी नहीं है। कुछ सॉल्यूशन बताना यार। तू ये ले फोन, कॉल करके मंगा ले, टीचर से रिक्वेस्ट कर लेंगे कि मैम भूल गए, जल्दी कर। दोबारा कर दोबारा कर। उठा लो आंटी जी। मम्मी फोन नहीं उठा रही। ओ शिट, भले ही कुछ सामान नहीं लेकर आई लेकिन इकोनॉमिक्स की प्रेप ना मैंने इतने अच्छे से की थी, अपना 100% देने वाली थी। एक मिनट, क्या कहा तूने इकोनॉमिक्स, लेकिन आज एग्जाम तो इंग्लिश का है ना। पागल है कि तूने डेट शीट चेक नहीं की थी? यार सिर्फ पहले एग्जाम वाले दिन की थी चेक, मैं तो लुट गई,
बर्बाद हो गई। मैंने तो इंग्लिश की प्रिपरेशन कर ली थी, अब क्या करूं? दिल को थोड़ी तसल्ली मिली, कोई तो मिला कंपनी देने के लिए। अब क्या करें यार हिमांशी, हम फेल हो जाएंगे। आ जल्दी आ। अरे भाभी आज आ पाए उम्मीद को लेने? वैसे तो भाई साहब आते हैं रोज, बड़े दिनों बाद दिखाई दिया, कैसे हो? हाँ इसके पापा को आज टाइम नहीं मिला ना, तो मैं ही आ गई आज इसे लेने। और उम्मीद की डायरी देखी आपने? नहीं भाभी अभी तो नहीं देखी, घर ही जाके देखूंगी। अब ये नई यूनिफॉर्म के लिए पैसे जमा कराने के लिए बोल रहे हैं? हद कर रखी है इन स्कूल वालों ने तो भाभी, हर साल इनकी यूनिफॉर्म में चेंज होती रहती है, कभी गर्मियों की कभी सर्दियों की। स्कूल वालों ने भी सही बिजनेस बना रखा है। बताओ 1000-1200 की ड्रेसें नहीं होती है, ये लोग हमसे 8-8, 9-9 हज़ार रुपए ऐंठ लेते हैं। मैं नहीं जमा करवाने वाली भाभी, देखना तुम, खुद बाजार से जाके ले आऊंगी। हम लेकर तो आ जाए भाभी, लेकिन चलती कहाँ है हमारी? इनको तो स्कूल के स्वेटर पे और शर्ट पे स्कूल का लोगो चाहिए ना। भाभी ये नहीं कमाने खाने देंगे आम इंसान को, इतनी महंगी तो उन्होंने स्कूलों की फीसें कर रखी है। उसके बाद भी कभी किसी चीज के लिए जमा करवाते हैं, कभी किसी चीज के लिए जमा करवाते हैं। भेजती उम्मीद के पापा को, वही करेंगे ना स्कूल वालों से बात। ये स्कूल वालों को हमारी छुट्टी एक्सटेंड नहीं कर देनी चाहिए, अभी ठंड कौन सा चली गई है बल्कि और ज्यादा बढ़ गई है। और मुझे तो आज सुबह सपना भी आया था कि हमारी स्कूल की छुट्टियां ना एक्सटेंड हो गई हैं। फिर तेरा कॉल आ गया, जरूरी था मेरे घर पे कॉल करना और मम्मी को याद दिलाना कि स्कूल ओपन हो गए हैं। मुझे क्या पता था यार कि तेरी मम्मी भूल गई है, तेरी मम्मी को याद नहीं है। और मैं क्या करती अकेले स्कूल जाके, वहां पे मक्खियां मारती क्या मैं? हाँ तभी तूने कॉल किया कि दीप की कंपनी मिल जाएगी, साथ में मक्खियां मारेंगे दोनों। यार मेरा भी मन नहीं कर रहा था स्कूल आने का, रोज सुबह सुबह इतनी बढ़िया नींद आती थी ना, रोज लेट तक सोती थी, कंबल से निकलने का तो मन ही नहीं करता था। लेकिन लेकिन अब रोज स्कूल जाना पड़ेगा, पता नहीं घर वालों को भी क्या चुल लगी होती है, हमको स्कूल भेज के उनके कलेजे को ठंडक मिलती है। हाँ नहीं तो यार 15 दिन बाद तो और भी ज्यादा आलस आ रहा है स्कूल जाने में, इससे अच्छा तो ये स्कूल वाले हमारी छुट्टियां ही ना करते, और जब कर दी है तो थोड़ा सा और बढ़ा दे, क्या चला जाएगा स्कूल वालों का? एक तो इतने सारे कपड़ों के लेयर्स पहनो पहले, फिर ऊपर से ये स्कूल का इतना भारी बैग उठाओ, और गलती से अगर कोई बुक भूल भी जाओ ना तो ये टीचर्स नहीं जीने देते, ये नहीं छोड़ते फिर। मैं सच बता रही हूँ, अगर ये एग्जाम्स ना आने वाले होते ना, मैं कतई ना जाती स्कूल, सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है, बस यही मजबूरी है। और हमारी क्लास के बच्चे कितने हरामी हो गए हैं, कोई बताता ही नहीं है कि स्कूल में क्या हुआ है। वो हमारी क्लास की मॉनिटर है ना नेहा, मैंने उसको बोला कि नेहा मैं कल नहीं आई थी, प्लीज मुझे अपनी नोटबुक दे दियो, तो मना कर दिया उसने, झूठ बोल दिया कि मैंने नहीं किया। और पता है तेरे को प्रीति को क्या बोल रही थी कि हम क्यों दें इसको अपनी नोटबुक, हम रोज स्कूल आए क्लासेस ले और वो आराम से घर पे बैठ के हमारे नोट्स कॉपी करे। चल अब, वरना वॉचमैन ना अंदर नहीं घुसने देगा। शायद मम्मी भूल गई कि मीत को स्कूल जाना है, पर मुझे बहुत तेज सूसू आई है, अगर मैं उठ के बाहर जाऊंगी तो मम्मी को पता चल जाएगा कि मीत को स्कूल जाना है। सो जाती हूँ ऐसे ही। चले जाती हूँ सुसु, अगर बेड पे निकल गई तो मम्मी बहुत मारेंगी। मीत उठ जा बेटा, स्कूल का टाइम हो गया। मम्मी को तो याद आ गया स्कूल जाना है। मीत मीत बेटा उठ जा। मम्मी मुझे ठंड लग रही है, स्कूल में भी ठंड लगती है मुझको। अब बता ठंड छू भी नहीं सकती तुझे? मम्मी आज परी भी नहीं जाएगी स्कूल। बेटा परी की तो तबीयत खराब है ना, इसलिए नहीं जा रही वो तो। चल तू बाहर खड़े हो जा, स्कूल बस आने वाली होगी, मैं लंच लाती हूँ तेरा, चीला बनाया है।
अब क्या हो गया? मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कहीं मैगी खा के लुल्लू तो नहीं हो गए? ना ना बेटा, अब ज्यादा मैगी थोड़ी खाती है तू। रुक मैं दवाई लेके आती हूँ, आराम पड़ जाएगा 2 मिनट में। दवाई खाने से सच में दर्द हो गया तो? ले दवाई खाते ही आराम पड़ जाएगा तुझे। खाली मम्मी। हो गया दर्द ठीक तेरा? नहीं मम्मी, अब तो जोर जोर से हो रहा है। समझ गई मैं, ड्रामेबाज। अभी रुक तू। ले परी की मम्मी का फोन भी आ गया, रुक बात कर लूं। हाँ परी की मम्मी, अब कैसी है परी? अच्छा इंजेक्शन लगे हैं? हाय बेचारी बच्ची। हाँ भाभी जा तो रही है स्कूल, पर मीत के भी दर्द हो रहा है थोड़ा सा पेट में। मुझे तो लग रहा है इसे भी लेके जाना पड़ेगा डॉक्टर के। और क्या भाभी, इंजेक्शन तो लगाएगा ही वो। अब मेरी तबीयत खराब हो गई तो मेरे भी तो लगे थे। चलो आप परी का ध्यान रखो, उसका स्कूल भी तो खराब हो रहा है। चलो चल मीत डॉक्टर की चल। मम्मी मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, मैं स्कूल जाऊं? अरे यार ठंड में रोज रोज कौन आए स्कूल। चलो। और मम्मी के गरम गरम पकौड़े एंजॉय किए, नाना भी नहीं पड़ा। मम्मी ये हाथ के, मम्मी के पकौड़े। हाँ। एक सेकंड। वो तो याद है मुझे, याद है मुझे। बॉच है ना फिर वाला। चलो पीछे जाओ। क्यों श्रुति मैम के पीरियड में जाना, मेरे पीरियड में जाने की जरूरत? चलो एक्शन करें। थ्री स्टार्ट। धरती सुनहरी। मेरे को पता था यही करेंगे कुछ ना कुछ। ये बहन भाई नहीं लग रहे दोनों? अबे सिर्फ इन दोनों ने नहीं मारा, इन दोनों ने पूरी क्लास को और बुला लिया उसे पेलने के लिए। सही है यार, उसका तो स्कूल लाइफ में ही करियर सेट है। हमारे पापा का तो कोई बिजनेस भी नहीं है, पता नहीं क्या ही फ्यूचर होगा हमारा। और तेरा भी नहीं है, इसीलिए कहती हूँ पढ़ाई पर ध्यान दे ले। क्या कर रही है? रोज लेट तक जगती थी मैं। चल दिमाग कहाँ सोती थी। चलो 3, 2, 1 वाला एक्शन। लेकिन अब रोज स्कूल जाना पड़ेगा, और पता नहीं घर वालों को भी क्या चुल लगी।